नमस्कार, आई एम मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में पूजा पाठ के दौरान जिन कुछ चीज़ों का महत्व है, उन्हीं में से एक है पूजा के दौरान दिया जलाना। पूजा करते हुए दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हालांकि मान्यता ये भी है कि दिया सही वक्त पर और सही तरीके से ही जलाया जाना चाहिए, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और दीपक जलाने के बाद, यानी कि जब हम आरती संपन्न कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, मैंने खुद भी देखा है, कि वो जो बाती होती है, जैसे जलने के बाद जो नीचे थोड़ी बहुत रुई की जो बाती है दोस्तों, वो बच जाती है। आप भी ध्यान देते होंगे, धूप बत्ती अगर आप जला रहे हैं तो धूप बत्ती का नीचे का हिस्सा भी पूरी तरीके से नहीं जलता है। तो ये सारी चीज़ें पूजा में बच जाती हैं। और आप जब भी आरती कर रहे हैं या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनमें आपकी एक मंशा होती है, या यूँ कहें कि आपकी कोई एक महत्वपूर्ण, आप श्रद्धा भाव से आपने वो बत्ती को जलाया है, यानी कि आप आरती कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए भी आपने अखंड दीप जलाया है या दीपक जलाया है या आरती करी है। तो जब पूजा संपन्न हो जाती है तो वो जो बाती बचती है उसका आप क्या करते हैं? ये बहुत सभी लोगों के सवाल होते हैं कि जो पूजा पाठ करने के बाद या रोज़मर्रा की जो आरती करते हैं या संध्या दीप जलाते हैं, करने के बाद जो बाती बचती है उसका हमें क्या उपयोग करना चाहिए? क्या उसे गंगा में फेंक देना चाहिए या कहीं भी ऐसे ही फेंक देना चाहिए, या फिर उसे पीपल की जड़ में रख देना चाहिए या यूं ही नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए? क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनके मन में ये शंका भाव हमेशा बनी रहती है? तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में लेकर के आई हूँ कि उन्हीं बातियों का आपको कहाँ उपयोग करना है, क्योंकि वो एक बाती जो आप हर रोज अपने पूजा में जलाते हैं, उसमें आप अपने तन मन धन को अर्पित करते हैं ईश्वर के समक्ष, और आपकी जो भी इच्छा होती है उसको उस बाती को जलाते वक्त आप कहते हैं। और अगर वही बाती इधर उधर फैली पड़ी है, कहीं पैर के नीचे आ रही है, कहीं इधर पड़ा हुआ है, कचरे में जा रहा है, तो आप समझिए उसका घोर पाप मिलेगा। तो सावधान हो जाएं, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, इस बाती को यहाँ वहाँ न फेंकें। ये बहुत मामूली बाती नहीं होती है दोस्तों, इसका आपको समुचित तरीके से ध्यान रखना है इस बाती का। तो सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, आप जो भी पूजा पाठ के दौरान आप जो रुई की बाती जलाते हैं, जो वो बच जाती है, तो उसको इकट्ठा करते जाएं। पूरा इकट्ठा करने के बाद धूप भी पीछे बच जाता है वो भी, और रुई की बाती दोनों को इकट्ठा करते हुए जाएं आप। इकट्ठा अगर जब जैसे जैसे वो इकट्ठा हो, एकत्रित आपने कहीं कर लिया, उसके बाद अगर घर आपके पास कोई मिट्टी का पात्र है या कोई भी हवन कुंड भी है, तो आप उस हवन कुंड को लें, उनमें वो सारे सूखे हुए जो आपकी रुई की बातियाँ बची हुई, क्योंकि रखते रखते वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं, ध्यान रखें कि वो गीली भी ना हो। मैं सूखे हुए फूलों की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, सिर्फ रुई की बाती और धूप बत्ती की बात कर रही हूँ। फूलों को आप गमलों में डाल सकते हैं, वो चले जाएंगे, वो खाद का रूप हो जाएंगे, लेकिन रुई की बाती वहाँ नहीं जाती हैं, वो गलती नहीं है जल्दी, इसलिए इसको आपका समुचित ध्यान देना है। तो आप इकट्ठा करें उसको, किसी पॉलिथीन में करके रखते जाएं, और जब ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको आप किसी मिट्टी का पात्र है या हवन कुंड है, उसमें उन सारी रुई की बातियों को डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए, कपूर छिड़केंगे उसके बाद माचिस जला दें, आप देखेंगे दोस्तों ये एक राख का रूप ले रहे, वो जल जाएगा, अच्छे से जलेगा। अगर फिर जब वो राख हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार हो जाएगी आपके लिए, कहेंगे ना भभूत के रूप में भी वो यूज़ हो जाएगी, उसका फिर आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। तो ये थी कि आप इस रुई की बाती को यहाँ वहाँ ना गिरने दें, ना फेंकें, सिर्फ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखें और फिर इकट्ठा करके आप यूं ही जला दें, वरना दोस्तों इसका बहुत बड़ा पाप चढ़ता है।
क्योंकि उस रुई की बाती में हमारे हर दिन की पूजा पाठ की श्रद्धा भाव की भक्ति जमी होती है। उसमें हमारे जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी अगर आपने एक दीपक जलाया, उस दीपक की बाती भी यहाँ वहाँ जाएगी, तो आप समझ लीजिए आपको उसका फल कैसे मिलेगा। और हम ये सोचते हैं कि हमने पूजा पाठ तो तन मन धन से करी है, लेकिन हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यही एक छोटी छोटी चूक हो जाती है जहाँ हमें ये गलती का एहसास नहीं हो पाता है और ये चीज़ें हमें भुगतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा गलती करते हैं तो ध्यान रखें, आप इकट्ठा करें, उसको लेकर के हवन कुंड में डालकर जला दें और उसका भभूत तैयार हो गया। उस भभूत का कुछ भी कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, समुचित तरीके से रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।